किसानों के हित को लेकर क्या मांग है, क्या विचार है और क्या आपकी सहमति बनी है इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अभी करीब एक वर्ष हो गया हमें लड़ाई लड़ते लड़ते। ये 15 अक्टूबर 2023 को हमने यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया और उसमें क्षेत्र के किसानों ने ये निर्णय लिया, करीब 8 से 10 गांव इसमें जो अंशल बिल्डर और सर्वोत्तम बिल्डर से प्रभावित हैं, इनकी मांग है कि जिस तरीके का आश्वासन इन्होंने जमीन एक्वायरमेंट करते समय दिया गया, हमारे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था और अलग अलग तरीके से अलग अलग किसानों को मुआवजा दिया गया, एक बहुत बड़ा घोटाला इस क्षेत्र में हुआ है। 15 अक्टूबर 2023 को महापंचायत का ऐलान किया गया, इस क्षेत्र के करीब 20 से 30 संगठन उस महापंचायत में एकजुट हुए, उसमें हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चे का आह्वान किया गया और उस संयुक्त मोर्चे ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर अभी से अनिश्चितकालीन धरना हम लोग शुरू करेंगे। हमने धरना शुरू किया और लोकसभा चुनाव जब बीच में आ गए तो यहाँ के आदरणीय डीएम साहब और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने एक वार्ता की किसानों के साथ। उस वार्ता में हमें विश्वास दिलाया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद हम आपकी समस्याओं को मजबूती से लखनऊ में उठाएंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण भी कराएंगे। हम लोगों ने उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और शासन प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर उस धरने को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया, मगर चुनाव बीत जाने के बावजूद, प्रधानमंत्री जी द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के भी बावजूद और बहुत सारे ऐसे दिन निकल चुके जो इन्होंने हमें वादा दिया और वादे पे ये लोग खरे नहीं उतरे, उसके बाद इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। वो हाई पावर कमेटी ने हमारे किसानों के प्रतिनिधित्व कर रहे कुछ लोगों के साथ वार्ता की और उस वार्ता में एक बार पुनः हमें विश्वास दिलाया गया कि ये हाई पावर कमेटी इसीलिए गठित की गई है कि यहाँ के किसानों की आवाज को बुलंद किया जाए। हम लोगों ने उन पर विश्वास एक बार पुनः जताया, लेकिन उस हाई पावर कमेटी ने किसानों के साथ वार्ता करने के बावजूद अभी तक हमारे हाथ खाली के खाली हैं, समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। और आज की जो ये पंचायत हम लोगों ने बुलाई है, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के साथ साथ बहुत सारे संगठन इस संयुक्त किसान मोर्चे में जुड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र चौधरी और यशपाल भाटी जो बोड़ा की गाँव से आते हैं और एक लाला चेयरमैन, ये यहाँ के जो मौजूदा किसान हैं, इन लोगों ने एक प्रण लिया है और इसीलिए आज इस पंचायत का आयोजन किया गया है। हम लोग सारे बहुत मजबूती के साथ इस पंचायत में आए हैं तो हम लोग यहाँ से एक निर्णय लेंगे। जिस तरीके की वादा खिलाफी, जिस तरीके का धोखा इस क्षेत्र के किसानों के साथ हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज एक बहुत बड़ी लड़ाई का हम लोग ऐलान करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन आज से शुरू होगा। प्रशासन, यदि आपकी मांगों, जो बड़े विभाग जो आपके साथ हैं, जो आपके इस निर्णय के आपके साथ रहेंगे और सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ेंगे और हिस्सा लेंगे? देखिए, अगर आज हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, पिछले करीब एक वर्ष से हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस आवाज में हमारी आवाज को बुलंद करना चाह रहे हैं, हमारे कंधे को मजबूत करना चाह रहे हैं और करीब 100 से 150 संगठन ऐसे हैं जिनसे हमारी बातें चल रही हैं। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो किसानों की आवाज को दबता हुआ महसूस करके चुप बैठ जाए, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। एक भारतीय किसान यूनियन मंच के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, अभी संयुक्त मोर्चे में जय जवान जय किसान, बहुत सारे संगठन में नाम गिनाऊंगा आपको, बहुत सारे